हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और जितने भी बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, उन सभी के लिए बता दूं कि यदि आप चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के जितने भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ यदि आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आपको छोटा सा काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। बस वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, उनके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा जब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां जरूर लेकर आते हैं। आज की पंक्तियां हैं, मिस्टेक्स आर प्रूफ डेट यू आर ट्राइंग। देखिए, गलतियां कहते हैं ना, हर इंसान से होती है। जो इंसान ट्राई नहीं करता है उससे कभी गलतियां नहीं होती है। आप ट्राई कर रहे हो और आपसे मिस्टेक हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स को होने दो, लेकिन ट्राई करना मत छोड़िए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल बायोलॉजी से वीडियो है और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। शायद ही कोई ऐसा कोई देश का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर सेल बायोलॉजी नहीं है, और सेल बायोलॉजी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को न पढ़ें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आज का टॉपिक है और उसके ऊपर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, गिव टू एग्जाम्पल्स इन विच ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड। तो वन माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? तो एक तो माइक्रोस्टीरियाज एल्गी में, और एक क्लोरेला क्लोरेला फस्का। क्लोरेला फस्का और माइक्रोस्टीरियाज के अंदर केवल और केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 500 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, अलग अलग वेरी करते हैं। लेकिन जब बात चल रही है केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइक्रोस्टीरियाज और क्लोरेला फस्का, माइक्रोस्टीरियाज और क्लोरेला फस्का के अंदर केवल एक, क्या कहा मैंने, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? तो देखो, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब है कि इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? तो इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए याद रखना, इसके पास में खुद का डीएनए है और इसके पास में अपना खुद का राइबोसोम है। तो डीएनए है तो डीएनए के कारण ये प्रतिकृतियां कर सकता है, डीएनए के कारण ये प्रतिकृतियां कर सकता है, मतलब रेप्लिकेशन कर सकता है, और राइबोसोम है तो ये क्या कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, प्रोटीन संश्लेषण भी कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि ये रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसके पास में अपना खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, और इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज माइटोप्लास्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं आता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटाने के बाद, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट कहते हैं। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। माइटोप्लास्ट किसको कहते हैं? जब माइटोकॉन्ड्रिया से हम बाहरी झिल्ली को हटा देते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहरी झिल्ली को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली हटा देने के बाद में उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन्ड बाय, स्टेन्ड का मतलब होता है अभिरंजित। आप माइटोकॉन्ड्रिया को, आपको यदि माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, यदि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो आप उसको किससे अभिरंजित करेंगे? तो हम उसे अभिरंजित करेंगे जेनस ग्रीन बी से। भूलोगे तो नहीं, किसे अभिरंजित करेंगे भाई? जेनस ग्रीन बी से उसको अभिरंजित करेंगे। ऑल राइट, व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया?
देखिए, अभी जस्ट हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है और उसके अंदर उसके खुद का राइबोसोम होता है। तो कौन सा राइबोसोम होता है? तो जिस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है वैसे ही राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। उसको हम बोलते हैं 70S राइबोसोम। क्या कहा जाता है उसे? 70S राइबोसोम। वॉट आर फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल्स? ये कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो कई बच्चों से पूछता हूँ ये आया क्या, तो क्या नहीं आता है सर। फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल किसको कहते हैं? तो ऑक्सीसोम्स जो होते हैं उन्हीं को हम फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल भी कहते हैं। आप ऑक्सीसोम कहिए, आप एलिमेंटरी पार्टिकल कहिए, ठीक है ना, आप एलिमेंट्री पार्टिकल कहिए, आप इन्हें F1 F0 पार्टिकल यानी कि कण कहिए। ये सारे के सारे नाम कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये सारे के सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। आप इन्हें फर्नांडिस मॉरन कह सकते हैं, आप इन्हें जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था आप इनको फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल्स कहो, आप इन्हें ऑक्सीसोम्स कहिए, आप इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहिए, आप इन्हें F1 F0 पार्टिकल कहिए, एक ही चीज़ है। वॉट टाइप ऑफ डी एन ए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो डी एन ए जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, भूलना नहीं इसको, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, मतलब कि वृत्ताकार एवं द्विरज्जुकीय डीएनए, वृत्ताकार एवं द्विरज्जुकीय डीएनए। व्हाट इज कॉन्ड्रियम? तो एक सेल में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ कॉन्ड्रियोम कहते हैं, एक साथ कॉन्ड्रियोम कहते हैं। क्या कहा मैंने? समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम कहते हैं। मान लीजिए एक सेल के अंदर मान लीजिए 500 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ मिलाकर हम एक सेल के अंदर जितने भी होंगे उन्हें कॉन्ड्रियोम के नाम से जानते हैं। वेयर डू क्रैब साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया? क्रैब साइकिल कहाँ चलती है? तो क्रैब साइकिल कोई पूछे तो कहाँ चलेगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चलती है, भूलना नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि क्रैब साइकिल के लिए जरूरी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। हु गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो सी बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर सराउंडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कितनी झिल्लियाँ होती है? तो एक तो ये झिल्ली जो बिल्कुल स्मूथ होती है और एक झिल्ली जो भीतर की और अंदर वलयित होती है। तो कितनी जो गई? दोहरी झिल्ली युक्त है ना, ये तो है ना। तो दोहरी झिल्ली युक्त मतलब हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स? तो दो मेम्ब्रेन्स होती है ना, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल कहते हैं इसे। विच प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कौन से प्रोटीन होते हैं जिसके कारण बाहरी मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है? तो वो है बेटा पोरिंस। याद रखना, जो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन होते हैं उनको पोरिन के नाम से जानते हैं। वॉट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फिलेशन? है ना, ऑक्सीडेशन से इसका मतलब होता है, ऑक्सीडेशन से ऊर्जा उत्पन्न करना, है ना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, या आप यूं भी कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को अपने क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग जीसी रिच डीएनए और एटी रिच डीएनए। आप ये तो सब जानते हो कि ये बेसेस होते हैं, जी फॉर ग्वेनिन, सी फॉर साइटोसिन, ए फॉर थाइमिन, टी फॉर राइट ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थाइमिन, ये तो सब जानते हो।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा होता है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जिस प्रकार से जीसी रिच डीएनए होता है, वैसे ही यहाँ पर भी जीसी रिच डीएनए होता है। जीसी रिच डीएनए का मतलब होता है ऐसा डीएनए जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट एडिनिन और थाइमिन से ज़्यादा होता है। वापस से बोल रहा हूँ, ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट डीएनए के अंदर एडिनिन और थाइमिन से ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, कीटों की पेशियों से। मैं फिर से बोल रहा हूँ हिंदी के अंदर, कीटों की पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो कीटों की पेशियों से सबसे पहली बार जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था? कोलिकर था। हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ द इंसेक्ट्स? तो कोलिकर। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द सेल, एज एटीपी इज जनरेटेड इन इट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी क्या होती है? जनरेट होती है, और आप जानते हो एटीपी जनरेट होती है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी जनरेट होती है। वेयर डू ईटीए साइकिल अकर? तो आपने ऑक्सीसोम्स तो सुना है, ये एक ऑक्सीसोम में आपके सामने बनाया है, ये ऑक्सीसोम का F0F1 पार्टिकल है, ये उसका हेड है। तो यहाँ हेड के अंदर, ऑक्सीसोम के हेड में एटीएस चलती है, तो क्या लिखेंगे? अकर इन हेड ऑफ ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम के शीर्ष में, ऑक्सीसोम के शीर्ष में क्या डेवलप होती है? एटीएस साइकिल चलती है। अ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम, तो हमेशा याद रखना, अ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। भूलना नहीं, हर एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। हर एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। हु गेव द टर्म बायोप्लास्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी दिया गया था नाम, तो बायोप्लास्ट नाम जो है वो किसने दिया था? तो ऑल्टमैन ने दिया था, ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, आप सब जानते हैं कि ऑक्सीसोम बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है? तो ऑक्सीसोम की संख्या कितनी होती है? तो 10^4 to 10^6। किसी किताब के अंदर ये 10^4 to 10^5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैंने एक रेंज बताई है न्यूनतम और अधिकतम, 10^4 to 10^6 तक माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम्स पाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान एक्सप्रेस में ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बेस्ड थे। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना, आसमान से गिरकर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप और हम जो डेली रूटीन के अंदर क्लासेस में जो क्वेश्चंस करते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। तो आज के लिए विज्ञान एक्सप्रेस में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।